हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम जलेबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जलेबी बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने देखिए गिट्स का पैकेट लिया है। इस गिट्स के पैकेट से ये जो जलेबी है वो हम बनाएंगे। इसमें सारी विधि वगैरह जो भी जिस तरीके से काम करना है वो सब लिखा हुआ है। ये 125 ग्राम है, 100 ग्राम का पैकेट है ये। इस पैकेट के साथ में ये जलेबी मेकर भी मिला है। इसके अंदर हम घोल को बना करके डाल देंगे और उससे हम जलेबी तैयार करेंगे। ये ऐसे है, हम देखते हैं। अब इसको पहले घोल को तैयार कर लेते हैं। इसको घोल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। देखिए हम इसको घोल बना रहे हैं। ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम का पैकेट है। इससे इसमें लिखा है इसमें 25 जलेबी बनेगी, तो देखते हैं कितनी बनती है। हम इसको घोल बना लेते हैं। घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। इसे आपको ऐसा बनाना है जिससे वो उससे बॉटल से बाहर निकल सके। ज़्यादा ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इसमें अभी थोड़ा सा पानी और लगेगा। मैंने वैसे गुनगुना पानी लिया है, आप इसे ठंडे पानी से भी घोल सकते हैं। ठंडा यानी रूम टेम्परेचर पर, फ्रिज वाला पानी नहीं। इसको हम तैयार करते हैं। देखिए इसमें हल्का सा पानी और डालेंगे, बस हमारा पेस्ट तैयार है। ये घोल हमारा तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने घोल बना लिया है। इसका घोल ऐसा होना चाहिए जो जैसे रिबन की तरह से गिरता है, पतला नहीं होना चाहिए। अब हम इसको बॉटल में भर लेंगे। आप अगर ये बॉटल नहीं है तो आप कॉटन के कपड़े में भी इसको करके बना सकते हैं। मोटा कॉटन का कपड़ा जिसमें छेद किया हुआ एक, उसमें भी डाल करके आप बना सकते हैं। ऐसे ही हम ये सारा घोल इसमें डाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, चाशनी बनाने के लिए मैंने इसमें पानी डाला है, एक बोतल पानी डाला है, यानी कि 2 से 2.5 से 3 ग्लास पानी होगा। उसमें मैंने 200 ग्राम के करीब चीनी डाल दी है। अब इसमें मैं थोड़े से ये केसर के धागे डाल दूंगी जिससे इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा चाशनी में। 10-12 के लगभग मैंने केसर के धागे डाल दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कैसे बनती है। देखिए फ्रेंड्स, हम बना तो रहे हैं लेकिन देखिए अभी हमसे सही शेप में तो नहीं बन रही है। फिर मेरे को गुस्सा आता ना तो फिर वो
फ्रेंड्स देखिए हमारी जलेबी बनके तैयार हैं। इन्हें हमने 10 मिनट चाशनी में डुबो के रखा था। चाशनी हमने एक तार की बनाई थी, वो देखिए मैंने ऐसे ये डाला हुआ है इसमें, अभी और ये रखे हुए हैं। वैसे सही डिज़ाइन तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ठीक बन ही गया है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, देखिए इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जलेबी बनाइए और सर्दी में गर्मा गर्म खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।